डॉलर बेलगाम घोड़ा बन गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 61 पैसे महंगा। नई बुलंद तरीन सतह 169.50 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे बैठे बिठाए 1,850 अरब रुपए बढ़ गए। चार माह में इंटरबैंक में डॉलर 17.27 रुपए महंगा हो गया। दरामदी अशिया मजीद महंगी होने का खदशा। शहरी और ताजी बराबरी महंगाई के खिलाफ फट पड़। डॉलर को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए जाके महंगाई रुके। दूसरा नंबर ये जो टैक्स है ना जी, टैक्स को भी कंट्रोल किया जाए। महंगाई इतनी है, घी 320 रुपए का किलो है, गरीब बंदा कैसे गुजारा करे? आटा इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, गरीब बंदा क्या करे? अपने आप को बेचे, कोई जगह नहीं रह गई। हर चीज नु अग लग गई है, जेडी शहर लैन जाओ हां जी ओदे मोल डबल ट्रबल होए पए ने। डॉलर महंगा होने के असरात सामने आने लगे। लैया में एक हफ्ते के दौरान लोहे की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा। खरीदार शदीद परेशानी का शिकार। हुकूमत ने महंगाई का सैलाब ला खड़ा किया है। और बच्चों में इल्म बांटने वालों को नौकरियां बचाने के लाले पड़ गए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन रोजगार बचाने के लिए अदालत पहुंच गए। पीएचडी स्कॉलर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और लैब असिस्टेंट्स की जानब से दो रिट्स दायर की गई। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने यूनिवर्सिटी और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सिंडिकेट ने तकरीबन 250,000 मुलाजमीन की मुस्तकिल नौकरी को खत्म कर दिया।